मैं तालिब हुदा एजुकेशन अकेडमी का छात्र हूँ। मैं अब्दुल्ला सालिम गुमर चतुर्वेदी का बदौलत से आज इस जलसा में तशरीफ लाया हूँ। आज मैं आप लोगों को ऊपर वाले के बारे में कुछ कहूँगा, गौर से सुनिएगा। जरूर। ईश्वर एक है यार एक, जब यह प्रश्न हम अपने मन से पूछते हैं तो हमें उत्तर मिलता है ईश्वर एक है। उसी प्रकार किसी भी जीव का एक माँ होता है, किसी भी का बाप केवल एक होता है, उन सब का अनेक होना असंभव है। उसी प्रकार सारे संसार को बनाने वाले, पालने वाले, मारने वाले, खिलाने वाले, पैदा करने वाले ईश्वर एक और अकेला है। यदि दो ईश्वर होता तो एक कहता पानी बरसाओ तो दूसरा कहता पानी मत बरसाओ। हमें सारे धर्म ग्रंथों से हमें यह पता चलता है कि ईश्वर एक है। यह एक शर्च नीना वसु नाम इंद्र पचना, धरती के बसने वाले सारे मनुष्य को वह बहुत प्रकार से देता है। वह केवल एक और अकेला ही ईश्वर है। यह एक वसु मरता है दास उसे, धरती के बसने वाले सारे मनुष्य को वह बहुत प्रकार से देता है। वह केवल एक और अकेला ही दाता विद्याता है। एक ही रुद्र ना दिव्यता है तस्थु सवेता, ईश्वर एक है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उनके अलावा दूसरे के लिए कोई आधार नहीं है। यह एक ही रुद्र ना दिव्यता है मस्ति, ईश्वर एक है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। उमात्मा वाइद में के बार गासित ब्रह्मांड के आरंभ में केवल एक ईश्वर था और उनके अतिरिक्त कोई जीवन नहीं था। एक ब्रह्म देव क्यों नहनास्ति किचन, ईश्वर एक है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। इसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। वमा अरसलना कल्ला रहमतलिल आलमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे संसार का रहमत बनाकर भेजा। सूर्य चंद्र मसो धाता यथा पूर्व कलियत, और उसने सूर्य और चांद को अपने ईश्वर ने पूर्व कल्प के समान रचा। वह लश्कंत सरम कमर हूँ समानन, और उसने रात को आराम के लिए बनाया, और चांद और सूर्य को उसने हिसाब गणना के लिए। ईश्वर एक है, सारे संसार का वह अकेला ही स्वामी है। जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। वह न तो कभी मरने वाला है और न ही मरेगा। क्या ईश्वर कभी खाता भी है? अनशन तरणियो भी चाक्षति, वह खाता नहीं बल्कि जीवों को खिलाने की व्यवस्था करता है। वह नित्यमु वलायुतमु, वह सबको खिलाता है पर उसको खिलाया नहीं जाता। क्या ईश्वर कभी जन्म भी लेता है? नहीं, जो ईश्वर सारे संसार का करता है वह इस सृष्टि राशि में एक सृष्टि बनकर कैसे आ सकता है? अजोना चांद आधार पृथ्वी तक ब्रह्म मंत्र भीम सवेता, ईश्वर एक है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। वह जो अजन्मा परमेश्वर है, धरती और आकाश उन दोनों के बीच में जो कुछ है उन सब को वे सत्य विचारों के साथ संभाले हुए है। सन्नो अजेक पादेवास्तु, वह जो निराकार अजन्मा परमेश्वर है हमें सुख शांति प्रदान करे। सब पर यगा सूक्रम मकायम वर्णम स्नाविण पाप विद्धम, ईश्वर एक है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर अपने ज्ञान रूप से सर्वत्र विद्यमान सिर्गकारी है। वह ईश्वर निष्पाप नश नारी रहित वही ईश्वर है। न दिव्यो न तीर्थ चतुर्थो न पच्छमो न पष्टमो न सप्तमो न नमो न दसमो न दूसरा ईश्वर है, न तीसरा न चौथा को कहा गया है, न पांचवा और न छठा और न सातवां और न आठवां को कहीं से लाया गया है, और न दसवां और न नौवां और न दसवां का कथित किया गया है। न चास्य कश्चित जनिता न चाद्य, परमेश्वर का न तो कोई उसको पै
और खुशहाली के वक्त के साथ का रिश्ता कैसा हो, इंसान का मजबूरी के साथ के वक्त के साथ का रिश्ता कैसा हो, इंसान खुद से तलाश क्यों नहीं करते, इंसान के पास पांच टूल्स औजार होते हैं, इंसान को ना तो भूतकाल ना भविष्य और ना तो वर्तमान काल की ज्ञान होता है ना अनुभव, इंसान पूरा समुद्र क्यों नहीं देख सकता बल्कि उसका उतना हिस्सा देख पाता है जो उनकी आंखों के सामने होता है, इंसान चींटी की आवाज को क्यों नहीं सुन सकता जबकि चींटी तो इंसान की आवाज सुन सकती है, इंसानी कान 5,000 से 20,000 के बीच की ही तरंग ध्वनि को सुन सकता है, यदि इंसानी कान 5,000 से नीचे की ध्वनि को सुनेगा तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ेगा और इंसानी कान 20,000 से ज्यादा की ध्वनि को सुनेगा तो इंसान वह 20,000 वाली ध्वनि उनके कान के पर्दे फाड़ देती है, इंसान दूर से ही अपने घर की कल्पना कर लेता है, यदि इंसान जो चीज समझ लेता है वह उन पर ज्ञान वह उन पर अनुभव करता है। अब मैंने चंद